आप देख रहे हैं अपना समाचार। बस वो दोनों मेरे भाई हैं और वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, वो लोगों के प्यार में रहने वाले लोग हैं। म्यूजिक डायरेक्टर लग जाने से कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होता, जो कोई सुपर स्टार लग जाने से कोई हीरो नहीं बन जाता है। तो मैं भी सुपर स्टार नहीं हूँ, मैं लोगों के दिल में रहने का काम करता हूँ। वैसे ही वो दोनों आजाद और श्याम, ये दोनों जो मेरे भाई हैं, उन्होंने कोशिश किया है अच्छा काम करने की। लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो शायद वो दोनों बच्चे अच्छा काम करेंगे। ओके, एक सवाल जानना चाहेंगे, कई बार आप दोनों से पूछा गया होगा, आप दोनों स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री ऑसम लगती है, पर कई बार ये अभी फालतू लग रहा है। केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री ऑसम लगती है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट ये जो कई बार बातें सुनने को आती है कि खेसारी हमेशा अपनी फिल्मों के लिए काजल को रिकमेंड करते हैं, काजल हमेशा, ये कितना सही कितना बिल्कुल गलत है। बिकॉज हमारी पेयरिंग लोगों ने पसंद करी है और हमारी पेयरिंग के व्यूअर्स ज़्यादा है, और उसी बल पे जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स है वो हमें कास्ट करता है, ना कि कभी मैंने इनके लिए रिकमेंड किया है ना ये मेरे लिए करते हैं। सो हम किसी के रिकमेंड पे चलते नहीं है एक्चुअली। और मैं उस समय भी आपको बताया था कि मैं क्या बोला कि रिकमेंड से आप किसी को एक जगह भेज सकते हो, रिकमेंड से प्रधानमंत्री नहीं बनता है। रिकमेंड से चुनाव होने के बाद वोट पड़ते हैं तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, ये दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। कुछ लोग पूरी दुनिया नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। रिकमेंड से प्रधानमंत्री और किसी के दिल पे रिकमेंड से कोई राज नहीं कर सकता। हम आपको बोलेंगे कि नहीं आप संजय भूषण जी के पास रहिए, आप रहेंगे, मेरे रिकमेंड से तो आप रहेंगे नहीं। आपकी अपनी विधा है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी फैमिली है, आप उसमें खुश रहती हैं ना, तो मेरे रिकमेंड से आप कहीं और कैसे खुश रह सकती हैं। तो रिकमेंड से काजल राघवानी को काम मैं नहीं दे सकता। मेरे कहने का मतलब कि जब दुनिया जानती है, जब इनकी रिकवरी नहीं होगी, जब इनको दुनिया पसंद नहीं करेंगे, इनका गाना आगे जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, इनको लोग नकार देंगे, तो इनको मेरे रिकमेंड करने से काम नहीं मिलने वाला है। आज मैं आपको बता देता हूँ, इनकी अपनी मेहनत, इनकी अपनी लगन, इनकी अपनी सोच ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरे रिकमेंड करने से, मैं चाहूँ तो मैं पूरी दुनिया को हीरो और स्मार्ट बना दूँ, भाई मेरे रिकमेंड से अगर चीज़ें होती है, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ, मैं भी एक आम इंसान इन्हीं लोगों की तरह हूँ और इनके बीच का एक बच्चा हूँ। बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत किया तो मैं यहाँ तक पहुँच गया और इनके दिल में बसने लगा और इनसे प्यार हो गई मुझे। तो बात वो है, काजल राघवानी को ये बताइए जी, अगर रिकमेंड करना होता तो मैं मेहंदी से पहले नहीं किया होता इनको। मेहंदी में हम दोनों ने खूबसूरत अच्छा काम किया, डायरेक्टर ने अच्छा डिज़ाइन किया, प्रोड्यूसर ने अच्छा रिलीज किया, अच्छी सिनेमा बनाई, म्यूजिक डायरेक्टर ने अच्छा गाने दिए, कहानी अच्छा लिखा गया, एक राइटर ने अच्छी कहानी लिखी, तो जाके चीज़ें बड़ी हुई ना। उसमें दोनों कलाकार परफॉर्म अच्छा कर गए, रितु सिंह भी अच्छा परफॉर्म कर गई। तो हमारे कहने का मतलब कि ये बताइए कि मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूँ, बहुत सारे मैंने ऐसे सिनेमा किया है जो चार चार फिल्में हीरोइन के साथ किया है, लेकिन आज तक वो स्टार नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाई? मैंने इनके साथ मेहंदी किया, मेहंदी के बाद इनका भी नाम कितना बड़ा हुआ, मेरा भी नाम कितना बड़ा हुआ। तो बात वो नहीं है, आप जितना मेहनत करेंगे, तो इनका अपना मेहनत था ना, इनका अपना मेहनत था, मेरा अपनी मेहनत थी। तो हर आदमी आज कैपेबल है, जो जितना मेहनत करता है, कोई दोषी नहीं होता कि मैंने उसको काम से हटा दिया, ये फालतू है। जिनको काम नहीं आता है ना, वो ये बातें करते हैं कि मुझे इस सिनेमा से निकाला गया, मुझे इस सिनेमा से निकाला गया। अरे तुमको काम नहीं आएगा तो निकालेगा नहीं कोई, काम तो सीख लो पहले, काम तो आना चाहिए तुमको, और तुमने तो किया भी है मेरे साथ काम, मेरे साथ ही नहीं तुम बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया है और आपने अपनी पहचान नहीं बनाई, तो आप दुनिया को दोषी कैसे बना सकते हो जी। हमारे जो पैर है लोग भी पसंद करते हैं, हमारी पब्लिक फैंस जो है वो पसंद करती है, एंड हमारे कॉन्सेप्ट भी अलग होते हैं, सेम रेगुलर टाइप के नहीं होते। हम कभी वाइफ हस्बैंड बने हैं, कभी माता पिता बन गए हैं, तो कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बने हुए हैं, बट हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जो रोमांस भी होता है, सारा चीज़ हम लोग अलग डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ें स्मूचिंग हो, ये हो, वो हो, मुझे नहीं लगता कि एक आध फिल्म ऐसे कुछ हुआ होगा, सिर्फ टच करना बस। हाँ, वो कि एक जो प्यार होता है, मैंने उस प्यार को महसूस आदमी किया है, ऐसा कभी नहीं हो कि हाँ कि मैं स्मोच कर दूं, स्मोच से ही मेरा सिनेमा चलता है। क्या तरीका है, ऐसा कोई सीन था, लेकिन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि माता पिता का वृद्धाश्रम के ऊपर स्टोरी है और हम लोग ये सब करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग खुद ही ना बोल देते, मैं इनसे भी बोलता हूँ कि नहीं यार,
हम भी अपने अपने बेटी के साथ में सिनेमा देखता हूँ ना, मुझे भी लगता है कि यार पापा क्या कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं करना है मुझे। और जिनके साथ स्मोच किया वो सिनेमा नहीं चला, अब सोचिए जिनके साथ मैंने स्मोच एक दो सिनेमा में किया है ना, वो घर पे बैठी हैं लोग, उनके पास काम नहीं है, जिसके साथ नहीं किया। तो देखिए आपकी अपनी पहचान खुद से होती है, उसमें कोई दोषी नहीं होता है। आपको अगर यहाँ 10 आदमी जानता है तो आपके अपने मेहनत से जानता है ना। ईदी का शुभकामना। और हाँ मैं तो दे दिया हूँ, एक बार और दे देता हूँ, और ईद को ईद की ढेर सारी शुभकामना, और आप सबको ईद मुबारक हो। जितने भी हमारे भाई प्यार करने वाले हैं, जितने भी हमारे आप तो माता पिता की तरह हैं और हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, आप ईश्वर अल्लाह हैं, आप ही सब हैं। तो बस आप ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईद का सेवई खा के, और प्लीज कुली नंबर वन को इतना प्यार दे दीजिएगा जब हम आपके प्यार में डूब जाएं, डूब में डुबकी लगा लें, उसमें फांसी लगा लें आपके प्यार में। बस कोशिश हम जिस दिन 5 तारीख को रिलीज ऑल ओवर इंडिया हो रही है, ऑल ओवर इंडिया हो रही है ये सिनेमा रिलीज, तो बस मैं चाहता हूँ कि इतना मोहब्बत दे दीजिए कि ऐसे ही मोहब्बत में आप सबका प्यार पाता रहूँ।